शुरुआत करें आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाथरस और अलीगढ़ पहुंचकर हाथरस हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की है। सुबह सुबह पहले वो अलीगढ़ पहुंचे और फिर हाथरस। हादसे के 3 दिन बाद भी हालांकि बाबा फरार है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन इस पूरे मामले में एसआईटी ने अपनी सरकार को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। अब इस पूरे मामले में 4 बड़े अपडेट आपको बता रहे हैं। अब तक 6 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, इसमें 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल है। देखिए, मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर जो है वो अब भी फरार है और बाबा भी फरार है। उसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में बाबा जिसकी तलाश की जा रही है वो अब भी फरार है। ना तो अब तक आयोजक गिरफ्तार हुआ है, ना ही किसी सेवादार की गिरफ्तारी हुई है, जो लगातार कई सवाल या निशान अब खड़े कर रखी है। और अब आपके सामने 5 तस्वीरें हैं, जो आप देखिए राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष जो है पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए सुबह सवेरे 5 बजे जो है राजधानी दिल्ली से निकले। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हर कोई ये सवाल पूछ रहा है बाबा सूरजपाल कहाँ है, ये वो ढोंगी, ये वो पाटखंडी जिसकी वजह से 121 लोगों की मौत हुई है। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 6 आरोपी गिरफ्तार हुए जिसमें महिलाएं भी शामिल है। चौथी तस्वीर पर नजर डालिए, ये वो 121 परिवार है जिनकी आंखों में सिर्फ एक आस है, प्रशासन की तरफ वो देख रहे हैं, सरकार की तरफ देख रहे हैं कि हमें इंसाफ का इंतजार है। और आखिरी तस्वीर देखिए, ये तस्वीर हर किसी की आंखों में जो है आंसू ला देगी। हादसे में 121 लोगों की मौत हो चुकी है, छोटे छोटे बच्चे, 4-4, 5-5 साल के बच्चे, ज्यादा से ज्यादा उम्र जो है 10 साल की थी, और महिलाएं और बच्चों की जो है मौत हो गई। तो 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देखकर आप समझेंगे कि आखिर किस तरीके के हालात बने हुए हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर सियासत भी जमकर हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज सुबह सुबह हाथरस में मची भगदड़ में मारे गए लोगों के रिश्तेदारों से मुलाकात की। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। सबसे पहले राहुल गांधी अलीगढ़ के पिलखना गांव पहुंचे, वहां उन्होंने 3 परिवारों से मुलाकात की। अलीगढ़ के पिलखना गांव से 3 परिवारों से राहुल गांधी ने मुलाकात की। इस गांव में 4 लोगों की मौत हुई। इसके बाद राहुल गांधी हाथरस पहुंचे, हाथरस के ग्रीन पार्क में उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका दर्द साझा किया। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पिलखना गांव वही जहां पर 4 लोगों की मौत हुई है। तो उत्तर प्रदेश के हाथरस पहुंचे राहुल गांधी ने 2 जून को हुए हादसे के लिए प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। राहुल गांधी के मुताबिक लोगों ने बताया कि पुलिस का इंतजाम नहीं था, साथ ही पीड़ित परिवार के लिए ज्यादा से ज्यादा मुआवजे की मांग की। राहुल गांधी ने जल्द से जल्द मुआवजा देने की भी मांग की। आपको सुनाएंगे भी राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, लेकिन ये तस्वीरें जिस वक्त पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए राहुल गांधी उन्हें ढांढस बंधाते हुए और इस बात का आश्वासन देते हुए कि उनके परिवारों को इंसाफ मिलेगा, साथ ही प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े करते हुए। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है, तो अब की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात है, उनके परिवार के बारे में जी, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है, उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहां पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था। तो हर कोई यही सवाल उठा रहा है, प्रशासन की गलती है, व्यवस्था वहां पर नहीं की गई थी, और यही सवाल राहुल गांधी भी उठा रहे हैं। हाथरस में राहुल गांधी से मुलाकात करने वालों में शांति देवी का परिवार भी था। शांति देवी के बेटे राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की। 2 जून के हुए हादसे में शांति देवी की जान चली गई थी। क्या कहना है शांति देवी के परिवार का, आप भी सुनिए। बातचीत हुई हमारी, बोल रहे थे कि जो दोषी हैं उनको सजा मिलेगी, अभी फरार चल रहे हैं, पकड़े जाएंगे तो उनको सजा मिलेगी। और ये बात बोली कि ये बात हम आपकी पार्लियामेंट तक लेके जाएंगे। हाँ,
पार्लियामेंट में उठाएंगे इस बात को कि ये हादसा हुआ इतना बड़ा, उनको कमेटी वालों को दोषी ठहरा रहे हैं, कुछ बाबा की भी कमी है इसमें, उनको दोषी ठहरा रहे हैं, उनको सजा मिलेगी। तो परिजन मुंह दबी आवाज में कह रहे हैं कि देखिए बाबा की गलती है, लेकिन राहुल से मुलाकात के बाद पीड़ित परिवार ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत की। क्या कुछ कहना है पीड़ित परिवार का, एक बार वो भी सुन लीजिए। वो ये कह रहे थे वो संसद में इसको मुद्दे को उठाएंगे, हम अगर आपकी समस्याओं को लेके जाएंगे, बस यही कह रहे थे। पूछ रहे थे आपकी माँ थी कहाँ गई थी, सत्संग में गई थी तो घटना किस तरह हुई, मैंने बताया उनको। दुखद रहा आपके लिए, राहुल गांधी ने कोई मुआवजे की बात की, क्या कार्रवाई करेंगे, क्या करेंगे? वो बोल के चले गए क्या जो होगा सो, क्या कुछ दिया जाएगा, तुम बात करते हैं ऊपर तक जो उनकी वो जिसमें होंगे वो। सरकारी नौकरी की बात नहीं करी, मुआवजे की? कोई सरकारी नौकरी की कोई बात नहीं, सरकारी नौकरी का सारे जो, मैं तो साफ बोल दिया ना भैया, मेरे परिवार को तो चलाने वाली मेरी माँ थी, मेरे भाई हैं, उनकी कंडीशन देखो, कोई नौकरी पे सवाल नहीं है, बोरी का काम करते हैं, हाथरस के अंदर बोरी का काम भी नहीं है, समझ गए। एक वक्त वो आता है कि पानी पी के भी सोना पड़ता है ना, लेकिन मेरी माँ छोटी मोटी नौकरी करती थी हॉस्पिटल के अंदर, वो रोज लाती थी, बच्चों का पेट पालती थी। क्या कहा जब आपसे मुलाकात हुई है? यही कहा था कि आप क्या चाहते हो, मैं सांसद में जाके वहाँ क्या कहते हैं इसकी अपील करूँगा, ये मुआवजा कम दिया जा रहा है और इस मुआवजे को बढ़वाने की कोशिश करूँगा, ऐसा उन्होंने पूछा। राहुल गांधी ने आपसे क्या पूछा? यही पूछा था कि ये हादसा कैसे हुआ और कहाँ हुआ और आपके परिवार से कौन 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 है, ये पूछा गया। क्या नाम है आपका? हरी मोहन। हरी मोहन जी, हरी ये आपकी पत्नी है हरी, हाँ आइए। राहुल गांधी ने क्या क्या पूछा आपसे? राहुल गांधी ने क्या पूछा? कुछ नहीं पूछा, यही पूछ रहे हैं वो कौन है, वो तुम्हारी? मैंने बोली सास है, वो हमारी सास है हमारे। और क्या क्या पूछा कि संसद भवन में क्या बात उठाएंगे, क्या जो बोल रहे हैं हमारी यहाँ पे वो नहीं है सुनवाई और हम बाहर आके उठाएंगे। मुआवजे को लेकर भी उन्होंने कहा कि मुआवजा बढ़ना चाहिए, हाँ, नहीं बढ़ना चाहिए, हाँ बोला था, बोला था। और कुछ उन्होंने बातचीत की आपसे? नहीं, और कुछ नहीं। क्योंकि बेटा कुछ अलग से बातचीत किया है राहुल गांधी ने? उन्होंने यही बोला है कि हम संसद में बात करेंगे, अपने आप को हिम्मत दो, अपने घर वालों को संभालो, उन्होंने यही कहा है मुझसे, जो कि मैं जब से मेरी बहन गई तब से मैं कर ही रही हूँ, अपने आंसुओं को इनके सामने बंद करके इनको चुप कर रही हूँ। माँ के बारे में भी पूछा कि माँ की तबीयत कैसी है? मैं पूछा महावीर माँ 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 तुम्हारी ठीक है? कहाँ हम दोनों तो सही सुरक्षित हैं, हमारी बेटी वही चली गई बस, हमारी घरवारी और ये मेरी बेटी वहाँ से निकल आएंगी, इसने तो बड़ा प्रयास किया उसको बचाने का, उसको लेके हॉस्पिटल गई, सरकारी हॉस्पिटल गई, प्राइवेट हॉस्पिटल गई, बाइक पर बैठा के किसी के साथ, पर उसको वो बचा नहीं पाई। तो राहुल गांधी इस बात का आश्वासन देके गए हैं कि ये पूरा मामला संसद में उठाया जाएगा, लेकिन राहुल गांधी के अलीगढ़ में और हाथरस में पीड़ितों से मुलाकात के बाद सियासत करने के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस जहां कह रही है कि सियासत नहीं है, प्रशासन की लापरवाही है, तो वहीं बीजेपी से सियासत करार दे रखी है। सुनिए, हाथरस इंसिडेंट इन उत्तर प्रदेश, हाथरस इंसिडेंट इज एन एक्सीडेंटल इंसिडेंट, दो ऑल द परमिशंस आर गिवन, पीपल the expected people were 80,000 as per the permission given by the government and as per the application given by the organizers, but unfortunately 2.5 lakh people attended the program, there was a stampede, it is an accident and think it is an accident and take the issue as an accident, but unfortunately opposition parties, particularly the Rahul Gandhi Congress party, making everything as a political issue, which is not correct and which is not in the interest of the nation and in the interest of the state also. देखिए राहुल जी और हम लोग सब लोग यहाँ पर उनके दर्द को साझा करने आए थे, हम लोग चाहते थे कि पीड़ित परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं दें और एक भरोसा दिलाएं, क्योंकि राहुल गांधी इस वक्त देश के प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, तो राहुल गांधी ने आकर के एक अभिभावक के रूप में पीड़ित परिवारों के साथ अपनी संवेदना दी और कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखिए राहुल जी से जो उन्होंने दर्द सुनाया, राहुल जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को दिल खोल करके इनकी सहायता करनी चाहिए, इतना छोटा दिल मत करें कि श्रद्धालुओं की मौत के ऊपर आपके खजाने का दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा है। आप 2 लाख रुपए ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर आप डाल करके ये समझ रहे हो कि आपने बहुत मदद कर दी, इनकी मदद की जरूरत है, इस वक्त इनको सहायता की जरूरत है।